बिहार के बक्सर में बुधवार की शाम बड़ा हादसा चल गया। आईएएफ के 20 से अधिक अफसर व स्टाफ को लेकर जा रहे अत्याधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर मानिकपुर गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। गांव के एक स्कूल के पास खेत में लैंडिंग के बाद मिट्टी गीली होने के कारण हेलीकॉप्टर के पहिए भी धंस गए। मामले की जानकारी आईएएफ सीनियर अफसरों के साथ ही इंजीनियरिंग विभाग को भी दी गई। इसमें सवार अफसरों व स्टाफ को पास के मानिकपुर हाई स्कूल में ठहरने की व्यवस्था कराई गई। जिस खेत में हेलीकॉप्टर को उतारा गया वो मानिकपुर हाई स्कूल के मैदान का ही हिस्सा है। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर ने प्रयागराज से उड़ान भरी थी, इसे बिठाया जाना था। इस दौरान बक्सर में अचानक हेलीकॉप्टर के पंखों से चिंगारी निकलने लगी। हेलीकॉप्टर से काफी तेज आवाज आने लगी। कहा जा रहा है कि पायलट ने बेहद सूझबूझ से काम लिया, हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जगह पर लैंडिंग करा दिया। हेलीकॉप्टर में 2 क्लास 1 ऑफिसर और अन्य हवलदार, कांस्टेबल और एसआई रैंक के जवान हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग हेलीकॉप्टर के पास सेल्फी लेने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनकर सभी ग्रामीण पहले भयभीत हो गए। गांव के लोग दौड़ते हुए हाई स्कूल के प्रांगण में पहुंचे। मौके पर राजपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस तैनात है। इमरजेंसी लैंडिंग के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी सुरक्षित हैं। है कलेक्टर भी सब खबर हो गई। भगवान की जरूरत नहीं है, रोड हाथ मारते जरूरत है। आप लोग हम लोग भाई हुए जी, अब हो एक दाब दी। कौन दाबी भाई?